अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 नाइन्थ लेवल मैथमेटिक्स कराची और सिंध बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली बुक उसके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। पिछली वीडियो में मजीद क्वेश्चंस इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस करे थे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a² माइनस 2b से स्क्वायर से। तो अगर हमने इन टर्म को तो ऐसे लिख दिया है a माइनस बी और a प्लस बी को, ऊपर वाली ये जो न्यूमिनेटर में हमारे पास a² प्लस ab आ रहा है, इसमें से जो चीज कॉमन है, कॉमन क्या होता है कि दो चीज प्लस की राइट और लेफ्ट में सेम है, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो a² है यहाँ, यह एक है, तो a² और एक a में से जो चीज हम बाहर ले सकते हैं दोनों साइड से वो एक a है, इसलिए एक a बाहर ले लिया गया। जब बाहर ले लिया तो यहाँ पर हमारे अंदर वैल्यू बच रही है ए ए प्लस ए बच रहा है प्लस बी बच रहा है, तो वो लिख दिया। उसके बाद नीचे इन दोनों टर्म्स में टू जैसा एक जैसा था, तो इसलिए उसे वो सेपरेट कर दिया है, ए प्लस बी यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मीनिंग अंतर वैल्यू बच रही है। अब ये है कि इसमें जो टर्म्स सेम हो रहे हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो है ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों टर्म कैंसिल होते हैं तो ऊपर ए इंटू ए माइनस बी रिमेनिंग बचता है, नीचे टू के बाद ये टर्म बच रहा है। यहाँ पर फार्मूला हम फॉलो करेंगे, और फार्मूला क्या है, फार्मूला ये होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आएगा तो हम एक बार दोनों टर्म्स को प्लस साइन के साथ ऐड कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे ब्रैकेट में, और एक बार सेपरेट फॉर्म में ले देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये फार्मूले की ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें जो सेम हो रही है वो माइनस वाली टर्म हो रही है, तो ए माइनस बी नीचे वाले ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो a अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस टाइप क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 4 पार्ट में हमारे पास सेम यही फार्मूला, जो कि फार्मूला मैं अलग से सेपरेट करके लिखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, फार्मूला है हमारे पास जी, इसको फॉलो करेंगे। अगर ए पहली वैल्यू पर स्क्वायर हो माइनस दूसरी वैल्यू पर स्क्वायर हो, तो करा ये जाता है कि पहली और दूसरी वैल्यू को एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया जाए और एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया जाए। तो मैंने यहाँ पर यही करना है, यहाँ पहली वैल्यू पर स्क्वायर है माइनस दूसरी वैल्यू पर स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई अगर पहली वैल्यू है और उस पर स्क्वायर है, और फिर उसके बाद माइनस जेड दूसरी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमें ये करना है कि एक्स माइनस वाई के साथ एक बार प्लस जेड लिख देंगे और एक्स माइनस वाई के साथ एक बार माइनस जेड लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो अभी यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि x प्लस वाई प्लस जेड नीचे ये बच रहा है, और वहां पर x माइनस वाई माइनस जेड, और ये टर्म कुछ इस तरीके से आ गई है। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैटर कर रही है वो ये कि अगर कैंसिलेशन हो रही होगी तो हम कैंसिलेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अगर यहाँ हमारा फॉर एग्जाम्पल ये साइन अगर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म एक बार प्लस कर दिया, एक बार फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो अब ये प्लस वाली टर्म सेम हो रही है, x प्लस वाई प्लस जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जी रिमेनिंग, वो वैल्यू आंसर में हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो जो चीज फर्स्ट में यहाँ पर इस ब्रैकेट में से कॉमन हो सकती है वो है m, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर और दूसरे साइड पर एक m मौजूद है, तो दो m है इधर है उधर एक है, इसमें से हम एक am इजीली बाहर सेपरेट कर सकते हैं, तो एक m को हमने सेपरेट कर लिया, अंदर m माइनस 6 रिमेनिंग बच गया। इसमें से जो चीज सेपरेट की जा सकती है वो है 3, तो ब्रैकेट में चाहे तो यही लिख लेते 3 कॉमन ले लिया, और इसमें m प्लस 3 की टेबल में 15, 3 5 आता है, तो 3 5 15 वो रिमेनिंग वहां वैल्यू बच गई। नीचे भी कुछ अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए 2 की टेबल में 12 भी आता है और 2 भी आता है, इसलिए अच्छा जी, अंदर रिमेनिंग वैल्यू माइनस m बच रहा है, माइनस के साइन के बाद 2 की टेबल में 6 पर 12 आता है, तो 2 6 12, ये इस तरह से आ गया। 3 और m एक साथ लिख देंगे, m माइनस 6 न्यूमिनेटर, m प्लस 5 न्यूमिनेटर में ये टर्म आ गई, अपॉन m माइनस 6 ये वैल्यू आ गई है जी। तो अब इसमें जो चीज सेम हो रही है वो है m माइनस 6, m माइनस 6 इसको कैंसिल करना है, तो 3m इंटू m प्लस 5 अप ऑन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, और ये है कि बार बार रिपीट कर आप देख सकते हैं वीडियो को, तो उसमें ईजी रहेगा, जो इस टाइम सही नहीं क्लियर है क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।